प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में 9600 करोड़ की परियोजनाओं को किया जनता को समर्पित। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, गोरखपुर एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का किया उद्घाटन। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास को मिली है गति। सीएम योगी बोले, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की बन रही है श्रृंखला। प्रदेश सरकार ने अब तक 17 करोड़ लोगों को दी है मुफ्त वैक्सीन। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। 14 जनवरी तक काशी विश्वनाथ धाम में कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। और लोकसभा के प्रश्नकाल में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी जानकारी, इम्फाल में बनेगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनपद गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स तथा आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर दौरे पर 9600 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं समर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरूआत भोजपुरी में करके वहां पर मौजूद लोगों में एक उत्साह भर दिया। धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। आप सब लोग जवने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिले, आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले वो यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आए थे, आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी उन्हें मिला है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था, आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की है। केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। साथ ही यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट को फिर से खोलने पर ताकत लगाई है। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना,
गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। हमने तीन सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की शत प्रतिशत नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। गोरखपुर में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश आनंद का उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बन रही है और प्रदेश सरकार 17 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे चुका है। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला
लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देशवासियों को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भाजपा मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 14 जनवरी तक काशी विश्वनाथ धाम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के कार्यक्रमों से इतर आगामी कार्यक्रमों में युवा सम्मेलन, महापौर सम्मेलन, जैविक खेती करने वाले किसानों, कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन को शामिल किया गया है। भजन मंडलियां काशी के धार्मिक वातावरण को और ऊर्जापूर्ण करेंगी और उस दिन दीपावली रहे इसलिए 12, 13, 14 काशी के अंदर और यूपी के अंदर काशी को जहां पूरी तरह सजाया जाएगा, काशी का हर मंदिर हर मठ दीपावली के लिए उत्सुक है। उस दिन दीपावली होगी, भगवान शिव की आराधना होगी, काशी को सजाया जा रहा है, भगवे ध्वज रहेंगे। उसकी जो सांस्कृतिक कैपिटल की भूमिका है उस सारा वातावरण उस ढंग से बनाया जाएगा। काशी में लेजर शो, अस्तबाजी, रोशनी का, लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम। मंगलवार को भी संसद की कार्यवाही विपक्ष के अड़ियल रवैये, रुख और शोर शराबे के कारण बार बार बाधित होती रही। राज्यसभा में सदन के पटल पर दो बिल आज जब जननी प्रौद्योगिकी विधेयक और सरोगेसी विधेयक पेश किया जा रहा था तो विपक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया और संसद की कार्यवाही को बार बार रोड़ा अटकाते रहे। विधेयक पेश हो रहा था और संसद में विपक्षी सदस्य संसद की गरिमा को दरकिनार कर संसद के भीतर ऐसा माहौल बना रहे थे जिससे कि विधेयक सही तरीके से पेश नहीं किया जा सके और न ही उसके ऊपर स्वास्थ्य और पारदर्शी रूप से सदस्यों के बीच राजसद में चर्चा हो सके। शोर शराबे को कम नहीं होता देख मजबूरन राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति को कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इसकी वजह से सहायता प्राप्त जननी प्रौद्योगिकी विधेयक और सरोगेसी विधेयक 2020 चर्चा के बीच में ही रोक दिया गया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है कि मणिपुर में इम्फाल राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जिस पर तेजी से काम जारी है। बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोविड के कारण जो पिछले कुछ दिनों में कमी आई है लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रगति बहुत तेजी से होगी और देश को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलेगी। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती जनपद से निकलने वाली राष्ट्रीय सरयू राप्ती नहर परियोजना का बटन दबाकर उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारी का जायजा लेने सिंचाई जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह राप्ती बैराज पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन का जायजा लिया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 6600 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना जो 5 नदियों को जोड़ते हुए 9 जिलों से होती हुई 30 लाख किसानों के खेतों तक पहुंचेगी जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का सपना पूरा हो जाएगा। ग्यारह तारीख को सरयू राष्ट्रीय परियोजना नहर परियोजना का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिन्होंने 71 और 72 में जो परियोजना शुरू हुई थी उस परियोजना को कोई सरकार आज तक पूरी नहीं कर पाई लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके इस परियोजना को पूरा किया है। उसके लोकार्पण के लिए, जनतनादर को समर्पित करने के लिए, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। बलरामपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैं यहां राप्ती बैराज पर खड़ा हूं। 5-5 नदियों को जोड़ने वाली यह परियोजना घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोही वहां तक इस परियोजना को पहुंचाना और 6600 किलोमीटर की नहरें बना करके 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाली यह परियोजना और लगभग 30 लाख किसान जिससे लाभान्वित होने वाले हैं, आजाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जिससे किसानों के खेत को पानी मिलेगा।
जनपद शाहजहांपुर में आगामी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनपद के रोजा रेलवे ग्राउंड में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि आगामी 18 दिसंबर को रोजा रेलवे ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा प्रस्तावित है। इसमें वो गंगा एक्सप्रेस वे और हवाई पट्टी का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें जनपद शाहजहांपुर के अलावा अन्य जनपदों से करीब 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। कल 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना है। का आगमन अभी प्रस्तावित है दिनांक 18 दिसंबर 2021 के लिए और वो शाहजहांपुर में आकर यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे जो यूपीडा के द्वारा निर्मित किया जा रहा है और मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा उसका वो शिलान्यास करेंगे और उस कार्यक्रम के उपलक्ष में यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो उक्त दृष्टि से यहाँ पर रोजा रेलवे ग्राउंड है शाहजहांपुर शहर में, तो इस पर तैयारियाँ की जा रही हैं और हम सारी तैयारियां समय से मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ भ्रमण प्रस्तावित है, अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम तो नहीं आया है लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है कि दोपहर में आएंगे। यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं, जो यहाँ जनसभा होनी है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी विजिट 18 तारीख को प्रस्तावित है। उसके लिए इस मैदान को साफ सफाई कराई जा रही है जिस मैदान में जनसभा होनी है जहाँ आप खड़े हैं। इसके अलावा जो जहाँ से पब्लिक आएगी उनके रूट्स की, उनके पार्किंग की, इन सब की व्यवस्था की गई है। साथ में जो पुलिस बल आवश्यक होगा इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षित तरीके से, उसके लिए कैलकुलेशन हो गया है। वो फोर्स की डिमांड जाएगी आज और जो भी पुलिस बल मिलेगा उसका व्यवस्थापन सही तरीके से कराया जाएगा। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कर्नल ज्ञान प्रकाश शर्मा ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष की तरह 7 दिसंबर यानी आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। झंडा दिवस शहीद सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर आर्थिक दान करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता से आग्रह किया है ताकि पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक योगदान किया जा सके। झंडा दिवस सशस्त्र सेनाओं के बलिदान के बारे में और उनके ये चलाए जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए देशवासियों के समर्पण का प्रतीक। हर देशवासी अपने आप को पुनः समर्पित करता है देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रत्येक मेंबर के कल्याण का कल्याण के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। इस दिन हम सभी देशवासियों से धन एकत्र करते हैं, जो धन सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में जाता है उस निधि से भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, विकलांग सैनिकों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के शुभ अवसर पर मैं देश व सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम सभी को ये गर्व महसूस होता है और ये मौका मिलता है कि हम सैनिक के बलिदान और आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में अपना योगदान और सहयोग करें। ये दिन 1949 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी द्वारा तैयार डिसाइड किया गया था कि 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाएगा, जिस दिन सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा और जो भी सिटीज़न इस देश का है वो इस दिन आर्म फोर्सेस के लिए अपना योगदान दे सकता है। देश की सीमाओं पर मुस्तैद सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए
आज बरेली के जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास इस अवसर पर जिला अधिकारी ने देश की खातिर बलिदान देने वाले सैनिकों को याद किया और 15 वीर नारियों को सम्मानित किया। इसके अलावा 2 पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुस्तिका सैनिकों के कल्याण के उपलक्ष्य में एक पुस्तिका का जिलाधिकारी ने विमोचन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि यह सेना के सम्मान का प्रतीक है और इसे हर भारतीय को मनाना चाहिए। झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों को याद किया गया है जिन्होंने यहाँ पर उन लोगों को आमंत्रित किया गया था जिनके परिवार के लोगों ने, इनके पतियों ने या इनके पुत्रों ने देश पे जरूर शहीद हुए हैं और ऐसे लोग भी जो कि देश की रक्षा करते करते विकलांग भी हो गए हैं, उन सभी लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 1965 से लेकर अभी तक जो भी देश की रक्षा करते शहीद हुए हैं उन सभी को। जिला सैनिक कार्यालय बरेली में 15 वीर नारियां, वीर सैनिक और वीर माताओं को सम्मानित किया गया है। ये झंडा दिवस हम सन 1949 से हर वर्ष मनाते हैं और इसमें जनता से अपील करते हैं कि वो अपना कुछ ना कुछ सहयोग दे के, अनुदान दे के, जो हमारे पूर्व वीर सैनिक हैं, जो वीर नारियां हैं या जो ऐसे सैनिक हैं जो युद्ध में घायल हो गए, विकलांग हो गए, उनकी ये राशि उनके हितों के कार्यों में यूज़ की जाती है और किसी अलावा ये फंड यूज़ नहीं किया जाता है। एक ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म, जैसा कि हमारे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने पराक्रम दिखाया, उसी के जैसे ऑपरेशन में मेरे साथ ये हवाई जहाज़ पे एक घटना हुई थी, उसमें मैं पूरी तरह डिसेबल्ड हुआ और उन्हें मुझे मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट दिया गया है। 1971 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 स्वर्णिम विजय मशालों को चारों दिशाओं में रवाना किया गया था। इसमें से एक विजय मशाल देश के कई सैन्य छावनियों का भ्रमण करती हुई आज आगरा के शत्रुजीत वार मेमोरियल पहुंची, जहां विजय मशाल को लेकर आए सूबेदार देवेंद्र सिंह और दिनेश सिंह ने 7 पैरा बटालियन के मेजर मोहित शर्मा को सौंपा। इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को रिटायर्ड मेजर कर्नल द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। विजय मशाल अगले 5 दिनों तक आगरा में रहेगी और 16 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष के समापन समारोह में सम्मिलित होगी। रिटायर्ड मेजर जनरल दयाल ने बताया है कि भारत पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर और 50वीं वर्षगांठ को लेकर 4 विजय मशाल देश भर में भ्रमण कर रही हैं। ये जो मशाल है ये हमारी 71 वॉर की विक्ट्री गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के हिसाब से दिल्ली से रवाना हुई थी इन ईयर 2020 के अंदर और 4 मिशाल हैं जो चारों तरफ हिंदुस्तान के गई हैं अलग अलग शहरों में होते हुए। अभी ये मिसाल हमारे पास आगरा में आई हुई है। हम इस ज्योति को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करती है हम लोगों के विशाल कार्यक्रम जो हम लोगों ने 1971 में किया। स्वर्णिम विजय वर्ष की विजय मशाल का मथुरा रिफाइनरी में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मथुरा रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष कुमार मेटी और मथुरा के प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारियों ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर नवास ने बताया कि 16 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्वर्णिम विजय वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में एनसीसी और डीपीएस मथुरा के बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जोगिंदर सिंह मेजर जनरल अरोड़ा थे, उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। तो ये एक ऐसा युद्ध एक ऐसा इतिहास था भारतीय इतिहास में जो विश्व के इतिहास में जो ऐसा कभी नहीं लड़ा गया। तो ये जो युद्ध लड़ा गया है वो भारतीय इतिहास में और विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है। तो इस विजय को बनाने के लिए, इस विजय को शौर्य सेना के शौर्य को बरकरार रखने के लिए पूरे देश भर में आयोजन किया जाता है, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। जो पिछले साल 16 दिसंबर 2020 को जब मोदी जी ने एक अमर जवान ज्योति जो प्रज्वलित की थी वो पूरे देश में घूमती है,
तो आज हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, सेना के शौर्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र तो हैं। 1971 का जो ओआर हुआ था उसका 50 साल का पूर्ति, ये मिलिट्री लोग इधर में हम लोग को रिक्वेस्ट किए थे करने के लिए, हम लोग इमीडिएटली एग्री किए हैं। ये हम लोग के लिए एक रियली अपॉर्चुनिटी है इस तरह का सीट सच में जोक देने के लिए, तो अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हम लोग भी जानते हैं, मतलब सब लोग जानते हैं, जो ये जो सेनानी हैं ये लोग काम करते हैं बॉर्डर में, तो हम लोग आराम से सो सकते हैं, तो इनका जो अवदान है भूला नहीं जा सकता है। तो मैं रिफाइनरी तरफ से, सर एम्प्लॉयज की तरफ से इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जो लोग शहीद लोग, जो लोग जान दिए हैं, उन लोग को श्रद्धा को देना चाहता हूँ। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में 9600 करोड़ की परियोजनाओं को किया जनता को समर्पित। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, गोरखपुर एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का किया उद्घाटन। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम को देशवासियों को करेंगे समर्पित। 14 जनवरी तक काशी विश्वनाथ धाम में कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। और लोकसभा के प्रश्नकाल में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी जानकारी, इम्फाल में बनेगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।